आ गए आप? अरे कहाँ हो सनम भाई, मतलब आजकल भी व्लॉग व्लॉग नहीं बना रहे हो? 2022 भी शुरू हो गया, जनवरी भी निकल गया, एक महीने से कोई व्लॉग नहीं आया, मतलब छोड़ दिया गया, मतलब कर क्या रहे हो आजकल? कुछ ऐसे सवाल होंगे आपके मन में भी, लेकिन आपको शॉर्टकट में बता दूं कि जब से साल शुरू हुआ है तब से कुछ भी नॉर्मल सा नहीं है। साल शुरू होते ही हमारे शहर दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लग गया। सैटरडे संडे के दिन में दुकानें, पार्क, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट सब बंद। जैसे तैसे लॉकडाउन हटा तो मौसम ने करवट बदल ली। जनवरी के महीने में बारिश और बारिश की वजह से ठंड, तो फिर अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब इन दोनों चैलेंजेस से छुटकारा मिला तो दोस्त मेरा मॉनिटर खराब हो गया। मॉनिटर वाज आउट ऑफ वारंटी और बाद में ये पता चला कि मॉनिटर रिपेयर नहीं होते, तो हिम्मत करके एक नया मॉनिटर लेना पड़ा। तो इन सब चैलेंजेस के बीच जनवरी का महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इस सैटरडे में निकला था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन दिल्ली में सारे मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम इस टाइम बंद पड़े हैं, तो अगर आप दिल्ली में ट्रैवल करते हैं तो टाइम, एफर्ट, मनी वेस्ट करने की बात है। बात कुछ ऐसी है कि सैटरडे तक हमारा कोई भी प्लान नहीं था पानीपत जाने का। सडनली एक मन में ख्याल आया कि यार पानीपत की दरगाह नहीं गए कभी, और पानीपत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो जब दिल्ली में सब कुछ बंद ही पड़ा है तो क्यों ना बाहर निकलकर एक्सप्लोर किया जाए। चलिए फिर मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन जगह लेके चलता हूँ जिसके लिए पानीपत मशहूर है, और ये एक ऐसी जगह है जिसको जिन्नों ने रातों रात तैयार किया था, और 13वीं सदी से लेकर आज तक यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं अपनी मन्नतों के ताले लगाने। संडे की सुबह 6 बजे जब मैं अपने घर से निकला, उस वक्त रास्ते में बेहिसाब कोहरा था, लेकिन जैसे जैसे चलता गया रास्ता भी साफ होता गया। जब तक स्टेशन पहुंचे दिन निकल चुका था, और ये साल का पहला ऐसा दिन था जब मैं इतनी सुबह उठा था। दिल्ली से पानीपत पहुंचने के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेन है कालका शताब्दी, जो आपको 1.5 घंटे से भी कम समय में पहुंचा देगी। करीब 9 बजे मैं पानीपत पहुंच चुका था, मीठी मीठी धूप में गर्मा गर्म चाय का मजा लेते हुए। सुबह सुबह रेलवे स्टेशन में घूमने का अपना ही मजा है, और ब्रिज पे चढ़कर ऐसे ट्रेन देखने में कितना मजा आता है ना। 2022 का पहला ये ट्रैवल ब्लॉग शुरू करते हैं एक रूहानी जगह से, जहां सलाम करने दुनिया भर से लोग आते हैं। जगह किसी एक कम्युनिटी या रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती, हर मजहब के लोग यहाँ आते हैं अपनी मन्नतें पूरी करवाने। दूर से मुझे कव्वाली की आवाज़ सुनाई दे गई थी, और जब मैं दरगाह में दाखिल हुआ तो यहाँ एक अलग ही एनर्जी थी, एक अलग ही दुनिया है यहाँ। इस जगह दो मजारे हैं, कलंदर पीर से रूबरू होने से पहले उनके दोस्त के मजार पर सलाम किया जाता है। ऐसा क्यों, इसके पीछे भी एक कहानी है। मैंने दोनों जगह दर्जा ब दर्जा सलाम किया, दुआ पढ़ी और अपनी अर्जियां पेश की। पीर का स्थान चारों तरफ से चांदी की दीवारों से ढका हुआ है, ऊपर चमकते शीशों पे बना गुंबद जिस पे कुरान शरीफ की आयतें साफ पढ़ने में आती हैं, और दीवारों पे लिखी है दुआएं। क्या कोई यकीन करेगा कि ये जगह इंसानों ने नहीं जिन्नों ने तैयार की थी? बू अली शाह कलंदर की ये दरगाह 750 साल पुरानी है, इसे जिन्नों ने रातों रात ही बनाया था। बताया जाता है कि जब जिन इस दरगाह को रात के समय बना रहे थे और इमारत लगभग पूरी होने ही वाली थी, तो सुबह उठकर शहर की किसी महिला ने हाथ से आटा पीसने वाली चक्की को जला दिया था। चक्की की आवाज़ सुनकर जिन अपना काम अधूरा छोड़कर चले गए थे। कलंदर सबसे ऊंचे दर्जे के खानाबदोश सूफी दरवेज को कहते हैं, वो इंसान जो अल्लाह की इबादत में इतनी गहराई तक डूब चुका है कि वो अपनी सांसारिक संपत्ति और यहाँ तक कि अपनी मौजूदगी के बारे में भी परवाह नहीं करता। उनकी इबादत खुदा और उसके बनाए बंदों को प्यार करना होता है। तो इस पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। सबसे आला दर्जा मिला है इंसान को जिनकी सरजमीं पे मैं खड़ा हूँ। दूसरे नंबर पे हैं पाकिस्तान में, और तीसरे नंबर में इराक की एक फीमेल पीर है जिनको राबिया के नाम से जाना जाता है। तो टोटल पूरे वर्ल्ड में 2.5 कलंदर हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आने का कोई खास प्लान नहीं था, बस सडनली मूड बना और टिकट्स कराए और मैं चला आया। तो कहते हैं ना कि जब तक आपका बुलावा ना आए तब तक आप यहाँ पर आ नहीं सकते। यहाँ के मतलब किसी भी पीर फकीर के पास तब तक नहीं आ सकते जब तक आपका बुलावा ना आए। तो शायद इसी को कहते हैं कि मेरा बुलावा आया तो मैं यहाँ पर आ गया।
और ये जगह कभी मेरी ट्रैवल लिस्ट में भी नहीं थी, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, भीड़ भी कम है। तो मेरा मन था कि मैं छत पर चढ़कर एक ऊपर का नज़ारा अपने कैमरे से कैप्चर कर सकूं, तो मैंने वहाँ के खादिम से गुजारिश की और उन्होंने फिर दरवाज़ा खुलवा दिया छत पर जाने के लिए। अब ड्रोन तो है नहीं हमारे पास, तो अगर एरियल व्यू ना सही तो टेरेस व्यू ही सही। तो हम आ गए छत पर और ये है मोहम्मद अली साहब, ये हमें लेकर आए छत पर ताकि हम अच्छी फ़ोटो खींच सकें, है ना। तो ऊपर का नज़ारा बहुत अच्छा था, फ़ोटो ले ली है। पानीपत का शहर दो ही बातों के लिए जाना जाता है, पहला पानीपत में हुई तीन जंगें और दूसरा मस्त कलंदर साहब की दरगाह। जो बात दवा से बन ना सकी वो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। तो जब भी आप इस दरगाह पर आएँ, साफ मन से अपनी जायज़ दुआएं कलंदर पीर के सामने रखें। जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी दुआ मांगें तो वसीले से मांगें। ये वो पीर है जिनकी करामात दुनिया भर में मशहूर है। हो सकता है कि आपके घर पहुंचने से पहले आपकी दुआ पूरी हो चुकी हो, और ये बात मैं नहीं कहता, ये बात मैंने उन लोगों से सुनी है जो यहाँ हर साल आते हैं। कलंदर पीर ने लोगों की ज़िंदगियाँ बदल दी हैं और हो सकता है कि बस आपके यहाँ आने की देर हो। और हाँ, याद रखना कि जब भी आप यहाँ आएँ तो एक ताला लाना मत भूलना। मेरा नाम है सनम खान, मैं दिल्ली से हूँ, आज आया था पानीपत कलंदर पीर की दरगाह पर और यहाँ बात कुछ ऐसी है। एक मिनट, तो अब ये वीडियो ख़त्म होने का समय आ गया है। जाते जाते मैं आपको एक कव्वाली सुनाने वाला हूँ जो मैंने वहाँ रिकॉर्ड की थी, और कव्वाली में क्या बात है वो आप खुद ही देख लीजिएगा। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुदा हाफिज़। बाबा की झोली है।